Assalamualaikum, this is your boy Mohammed Umar and you are watching Nobi Reaction। नीता यार, बांग्लादेश के तमाम सिंगल मिंगल लोग ठीक होंगे तो यार कैसे हो तुम सब। आज हम एक बड़ी जबरदस्त सी वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं और ये एक वीडियो आ रही है बांग्लादेश की। यार ये बांग्लादेश के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है। बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार अक्षय कुमार वो बांग्लादेश में काम करके गए हुए हैं, एक होटल में वेटर के तौर पर काम किया हुआ है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और शॉक हूँ कि मतलब क्या यार, कभी इस तरह का सोचा नहीं था कि इतना कोई बड़ा बस सितारा बॉलीवुड का वो एक ढाका में इस तरह काम करता होगा। तो ये अनरियलिस्टिक सी अप्रोच लग रही है, लेकिन यार ये बात बिल्कुल 100% सच है। तो वीडियो का टाइटल है अक्षय कुमार इंटरव्यू विद बांग्लादेशी रिपोर्टर। इसमें वो बताते हैं अपना कि वो इस तरह ढाका में काम करते रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन होगा वो भी प्रेस कर देना ताकि इस तरह के अमेजिंग और एंटरटेनिंग रिएक्शन जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आप देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त किस्म का रिएक्शन। हेवी गो दर्शक मंडली, আমাদের এখনকার পরিবেশনে রয়েছে বলিউডের বিখ্যাত নায়ক অক্ষয় কুমারের সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ঠিকানা পত্রিকার বিশিষ্ট সাংবাদিক মিজানুর রহমান। My name is Mizanur Rahman. I am coming from Hooghly Thikana newspaper. It's Bangladeshi newspaper. Hello. My question is, welcome to New York. My question is, Deepika and Akshay both, do you know you have lot of Bangladeshi fans? So Sorry? Can Bangladeshi fan? Do you know you have lot of Bangladeshi? Bengali fan. So can you say something about that? Well, I must tell you कि शायद बहुत लोगों कम लोगों को पता है कि मैं पहले बांग्लादेश में भी करीबन 6 महीने मैंने काम किया। आपके ढाका में पुरबानी करके एक होटल है, हाँ जी, yes. मैं वहाँ काम करता था पहले। वो दीपिका को भी नहीं कसम से पता, वो कहता है रियली। फिर वहाँ से मैं कलकत्ता गया था, बैंकॉक से आपके विमान है। वे विमान का भी पता है। सो क्योंकि दैट वाज द क्या बोलते, बहुत ही सस्ती एयरलाइंस थी उस वक्त, कोई 1.5-2 हज़ार में हम जाया करते थे, राइट। सो तो हमेशा मतलब आई हैव ग्रेट, आई रिमेंबर क्वाइट अ लॉट अबाउट पुरबानी होटल ढाका, कमिंग देयर, बैंकॉक आता था सामान लेके जाया करता था। आई यूज टू डू ऑल दैट जगलिंग थिंग्स एंड ऑल, सामान लेके, आई एम श्योर पीपल नो अबाउट दैट, बट नो नोबडी नोज अबाउट दिस, किसी को भी नहीं पता। ओके, व्हाई डिडंट यू टेल अस अर्लियर, वी वुड हैव यूज्ड इट इन द फिल्म। You would have taken me to Dhaka. By Bangladesh. Okay. But so, I have great memories for Dhaka. Now that you know that he has connection with Bangladesh, okay, please again go and watch the very important. I'm married to a Bengali. Oh. Please again go and watch the Thank you. My first film was given to me by a Bengali director. Please again. Mr. Pramod Chakravarti. You have a Bengali connection? I love Bengali eyes food. Are like Bengali. And Bengali. My eyes are like a Bengali. Okay. Please go and watch the film. Thank you. तो यार वीडियो के रिव्यू की बात करें तो ये बांग्लादेश के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि बॉलीवुड का इतना बड़ा सितारा वो बांग्लादेश में काम करता रहा है। और ये जो डायरेक्टर थे इस फिल्म के वो भी या प्रोड्यूसर थे, उनकी भी शादी बांग्लादेशी एक लड़की से हुई हुई है। आई डोंट नो कि ये कौन सी मूवी की प्रमोशन के लिए न्यूयॉर्क आए हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना एक अक्षय कुमार ने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया और कि वो कैसे बांग्लादेश में 6 महीने काम किया, कुरबानी एक होटल था। सबसे अच्छी बात है कि इनको बांग्लादेश की जो नेशनल एयरलाइन है विमान एयरलाइन उसका भी पता था, और उन्होंने कहा थे कि ये कितनी कोई सस्ती एयरलाइन थी कि जो हम मतलब गरीब से गरीब बंदा भी अफोर्ड कर सकता था। तो यार उनकी बात से लग रहा था कि वो कितना ज़्यादा इमोशनल है और उनको वो मेमोरीज रिकॉल कर रहे थे। ऐसा नहीं कि उनको इंग्लिश नहीं बोलनी आ रही थी, लेकिन वो अपनी वो फ्लैशबैक में चले गए थे, वो मेमोरीज उनके जहन में आने लग पड़ी थी, जिसकी वजह से उनसे बोला नहीं जा रहा था, कंफ्यूज हो गए थे। तो यार मतलब जिसके वो स्ट्रगल के दौर थे उनके, और जो भी वो स्ट्रगल के दौर याद करता है उसमें बड़े एक इंजॉयमेंट वाले चीज़ें भी निकलती हैं, क्योंकि ये जब भी कोई सुपरस्टार बन जाता है तो फिर वो जिस तरह आम लोग खुशियां मना रहे होते हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स को इंजॉय कर रहे होते हैं, ये बड़े सुपरस्टार वो चीज़ें मिस करते हैं इतनी कोई एलीट क्लास लाइफ में जाने के बाद। तो वो मेरे ख्याल से वो रिकॉल करने लग पड़े थे वो मेमोरीज जो बांग्लादेश में उन्होंने गुजारी हैं, जो उनके अच्छे बंगाली फ्रेंड्स के साथ रही हुई हैं, तो वो एक रिकॉल कर रहे थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज देखने को मिले हैं। तो यार ये मुझे पहली दफ़ा पता चल रहा है, और दीपिका का भी और जो डायरेक्टर थे उनको भी ये पहली दफ़ा पता चला है, और बाकायदा तो
जो दीपिका उसने कहा रेली, तो बिल्कुल ये अक्षय कुमार का ये जो साइड फेस था ये किसी को नहीं पता था, और ये पहली दफ़ा उन्होंने इंकशाफ किया कि वो छः महीने बांग्लादेश में भी काम करके आए हुए हैं। तो यार बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया हुआ है, मैंने देखा कि मैसी भी वहाँ गया हुआ है, हालांकि पाकिस्तान में कभी मैसी नहीं आया, और डिफरेंट जितने भी है एमा वॉटसन बांग्लादेश में गई हुई है, पाकिस्तान कभी नहीं आई। तो बांग्लादेश में बड़े बड़े सुपरस्टार गए हुए हैं लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का कभी विजिट नहीं किया, ये एक बांग्लादेश को काफ़ी अच्छा एज हासिल है कि बड़े बड़े सितारों ने उनका मुल्क विजिट किया गया हुआ है। यार मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश में एक दफ़ा जाके सैन मार्टिन बीच देखे, कोस बाज़ार देखा है, उसके बाद सजक वैली देखा है, तो ये मिनिमम चीज़ें बांग्लादेश में जब भी लोग जाएं ये देखें। और मतलब यार ना भी जाओ ना लाइफ में एक मरतबा उमरे पे जाओ, उसके बाद ये सजक वैली इस तरह की चीज़ों पे ज़रूर जाना, तो आपकी ट्रैवलिंग मतलब एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो यार यही मेरे एंड से यही रिव्यू था, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक मेंट शेयर और चैनल को आज भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।